नमस्कार दोस्तों, मैं मधुरी माँ रांची उपवन से। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं ये वीडियो करीब एक डेढ़ महीने के बाद बना रही हूँ। आज भी नहीं बनाती पर सोचा बना देती हूँ। जो मैंने कुछ पौधों की खरीदारी की है, इनको लाए हुए भी 10-12 दिन हो गए हैं। ये जो प्लेट्स में कुछ पौधे रखे हैं, इसे मैंने सरकारी नर्सरी से ख़रीदा है, जो मुझे बहुत सस्ते में मिले थे। मैं उधर घूमने गई थी तो लेते आई, पर प्लांट मुझे 2-2 रुपये में मिला है। मैंने गेंदे की ये 3 वैरायटी ली है। ये सनफ्लावर लिया था जिसमें आधे से ज़्यादा ये मर गए हैं। कुछ पौधे ये हैं, वो स्वीट विलियम के हैं। ये कैलिफोर्निया पॉपी है, देखिए। लालच मैंने तो ले लिया, मैं पर समय रहते मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई। देखिए, शायद ही कोई बचेंगे। लालच में हम लोग ले तो लेते हैं। ये देखिए, ये ल्यूपिन, ये ग्लोक्सोनिया का पौधा मैंने 160 रुपीज़ में ख़रीदा है दोस्तों। और ये इम्पेशन जो मैंने 4 रंगों में लिया है, ये सब मुझे 35 रुपीज़ में एक एक पौधे मिले हैं, जो प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। पिछले साल भी मैंने बहुत सारा इम्पेशन के पौधे लगाए थे, जो कि बारिश में गल गए। उसमें से सिर्फ एक ही बचा है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले एक महीने मैं मैसूर में थी, तो वहाँ से मैंने ये बल्ब्स लिलियम के या एशियाटिक लिली के बल्ब्स के पैकेट मैंने लाए हैं, जो मुझे एक एक पैकेट में, जो बल्ब एक एक पैकेट मुझे 70 रुपीज़ ईच का मिला है। देखते हैं इनमें कैसे आते हैं। ये मिक्स कलर में है। इनको भी मुझे लगाने का अभी समय नहीं मिल पाया है, देखती हूँ इसे फिर कल करूँगी। इसे भी लाए हुए 15 दिन हो गए हैं। एक एक पैकेट में 6-6 बल्ब हैं। समय आने पर, इसके फ्लावर आने पर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी। मैं आज एक छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ, फिर कभी किसी दिन किसी नए वीडियो में मैं आपको फिर कुछ और दिखाऊंगी। अभी मैं आपको पिछले साल का एक इम्पेशन का फ्लावर जो बचा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, उसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिछले साल का मेरा इम्पेशन फ्लावर का प्लांट है, जो बारिश में नहीं गला, किसी तरह मैंने इसे बचा लिया। इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है, पूरे भर भर की फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय या किसी नए पौधों के साथ। पर इसके पहले मैं आपको, जो मैं मैसूर से लेके आई थी अफ्रीकन वैलेट, उसके 2 पौधे दिखाती हूँ। फ्लाइट में बड़ी मुश्किल से लगेज बैग में मैं इनको लेके आई थी। देखिए इनकी हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, पर मरे नहीं हैं, ये ठीक हो जाएंगे और मुझे फ्लावर भी देंगे। तो अच्छा दोस्तों,
अब मैं चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ, किसी नए पौधे के साथ। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।